शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम व्याकरण पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण और कार्य, ये छह के बारे में पढ़ चुके थे। मैं आप लोगों को समझाएंगी, एक एक के लिए पांच पांच उदाहरण लिखना है। तो मैं अभी आपको मैं भी कुछ वाक्य लिखती हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए और उसमें क्या है पहचानना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले संज्ञा शब्द पहचानो। जो वाक्य मैं लिखती हूँ उसके संज्ञा शब्द आपको पहचानना चाहिए। गोपाल छठवीं कक्षा में पढ़ता है। गोपाल छठवीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, गोपाल छठवीं कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में आपको क्या पहचानना है? संज्ञा शब्द पहचानना है। अनिरुद्ध को तीन दिन छुट्टी चाहिए। अनिरुद्ध को तीन दिन छुट्टी चाहिए। अनिरुद्ध को तीन दिन छुट्टी चाहिए। तीसरा, पेंसिल चित्र बनाने लगी। पेंसिल चित्र बनाने लगी। पेंसिल क्या करने लगी? चित्र बनाने लगी। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। कृष्णा गांव जा रहा है। कृष्णा गांव जा रहा है। आप लोग इन पांच वाक्यों में क्या बताना है, क्या पहचानना है? संज्ञा शब्द पहचानना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सर्वनाम। व्याकरण में दूसरा कौन सा है? सर्वनाम। आपको अब क्या करना है? सर्वनाम शब्द पहचानना है। जो मैं लिख रही हूँ उन वाक्यों में आप लोग सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखना चाहिए। आप लोग ये प्रश्न लिख के उसके नीचे उत्तर लोगे, लिख के लिखना है उत्तर। ठीक है, अभी सर्वनाम क्वेश्चन लिख लो। सर्वनाम शब्द पहचानो। सर्वनाम शब्द पहचानो। आप लोग क्या करना है? सर्वनाम शब्द पहचानना चाहिए। जो वाक्यों में लिख रही हूँ वह 4 दिन वह 4 दिन नहीं आएगा। वह 4 दिन नहीं आएगा। वह 4 दिन नहीं आएगा। आप ऐसा क्वेश्चन लिख के उसके नीचे उत्तर रख के लाइन मारना चाहिए। ठीक है, आप कैसा लिखना है? ऐसा लिखना है। उसके नीचे प्रश्न और उत्तर ऐसा लिखना चाहिए। मैं जगह ज्यादा अच्छे चले जाता है इसलिए ऐसा नहीं लिखी इधर संज्ञा को। मैं बाजार जा रही हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ। इसका भी उत्तर। तीसरा, वे विशाखापट्टनम जाते हैं। वे विशाखापट्टनम जाते हैं। वे विशाखापट्टनम जाते हैं। चौथा, तुम्हारा किताब यहाँ है। तुम्हारा किताब यहाँ है। आप अंदर आकर बैठिए। आप अंदर आकर
बैठिए, इसका भी उत्तर ठीक है बच्चा। और इसका भी आप लोग वैसा ही लिखना चाहिए, इसका उत्तर ठीक है। ऐसा संज्ञा शब्द पहचानना है और इसमें क्या है कि सर्वनाम शब्द पहचानना चाहिए। पांच, आप लोग इसका भी वैसा ही लिखना चाहिए। देखिए मैं जगह नहीं है इसलिए वहां पे रखी आप लोगों को, मगर जो सर्वनाम के जैसा लिखी वैसा ही लिख लेना चाहिए। इसके बाद आपको क्रिया शब्द पहचानो, तीसरा कौन सा है, क्रिया शब्द पहचानो। वे मैदान में दौड़ता है, वे मैदान में दौड़ते हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं, इसमें क्रिया क्या है पहचान कर लिखना चाहिए। दूसरा, अध्यापक जी पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक जी पाठ पढ़ाते हैं, इसका भी उत्तर। और तीसरा, खरगोश गाजर खाता है, खरगोश गाजर खाता है, खरगोश गाजर खाता है, लक्ष्मी सीता की सेवा करती 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 है। हम विद्या मंदिर जाते हैं, हम विद्या मंदिर जाते हैं, हम विद्या मंदिर जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ तक पांच हो गए, इसका भी उत्तर। ये तीन प्रकार के आप उत्तर लिखना चाहिए। मैं आपको ये सब कुछ कहाँ पूछती हूँ, जूम क्लास में पूछती हूँ जरूर। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसके बाद विशेषण भी है, क्रिया विशेषण भी है, काल भी है। मैं आपको अगले क्लास में आपको समझाती हूँ। संज्ञा का मतलब नाम को संज्ञा कहा जाता है, जो वाक्य में नाम दिखाई देता है उसे संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो नाम के बदले में आते हैं। बार बार नाम बुलाने से अच्छा वह, वे, यह ऐसा कहते ना, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। और तीसरा कहते हैं क्रिया, हमसे जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें आप क्या करना है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के शब्दों को पहचान कर अंडरलाइन कीजिए और नीचे उसके नीचे उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन करना है और उसके नीचे उसका उत्तर, ऊ का मतलब है उत्तर लिखना, ठीक है, ऊ का मतलब है उत्तर लिखना। आप उसको उधर उत्तर लिखना चाहिए, ठीक, और लाइन मारना चाहिए, एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखना, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा, वैसा लिखना चाहिए, पांच भी लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी के तीन के बारे में मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगी। धन्यवाद।